दोस्तों, अगर आप भी BSNL का न्यू रिटेलर बने हैं तो आप नहीं जान रहे हैं कि न्यू सिम एक्टिवेशन प्रोसेस क्या है, आप कैसे कर पाएंगे। दोस्तों, इसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, सभी आपको वहाँ पे बताएंगे। दोस्तों, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, आपको वहाँ पे इसका एप्लीकेशन हो जाता है, आपको संचार संचार आधार इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। दोस्तों, लॉग इन करने के बाद सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों, सभी आपको वहाँ पे मिल जाता है। सही है, ऐसे आपको यहाँ पे आने वाला सिंपली KYC पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने वाला सिंपली आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना होगा। उसको यहाँ पे मिल जाता है आपको प्रीपेड पे क्लिक करना होगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है आपको टाइप ऑफ सब्सक्राइबर। तो आपको इसमें आपको अगर आप लोकल हैं तो आप लोकल, मतलब कि इसी स्टेट का है तो इसी स्टेट को डालना होगा। अगर अदर स्टेट का था तो आउट ऑफ स्टेशन आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी है तो यहाँ से डाल देना होगा। उसके बाद आपको टाइप ऑफ कैप, तो आपको यहाँ पे कैप एंट्री मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे अगर न्यू सिम एक्टिवेशन कर रहे हैं तो आपको। उसके बाद आपको मिल जाता है सिलेक्ट फ्रॉम लिस्ट, तो आपको नन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंटर आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, जो भी आपके पास जो कि होता है सिम का मोबाइल नंबर है उसको डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, इसको सबमिट कर देते हैं। आपको यहाँ पे अगला इंटरफेस आएगा दोस्तों, वहाँ पे जो कि इसमें आपको यहाँ पे सभी सिम का जो होता है नंबर, सिम नंबर होता है, मोबाइल नंबर नहीं, सिम नंबर जो होता है, बहुत सारा आपको उसमें अंक मिल जाता है। उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे टिक मार्क लगा देना होगा, तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे डिवाइस टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, जो कि जो भी है मॉर्फो है, मंत्रा है, जो भी है स्टार्टेक्स है, जो भी अपना कर देना। उसके बाद आपको वहाँ पे उस आधार नंबर, मतलब आधार नंबर आपको डालना होगा एजेंट का, मतलब आप अपना। उसके बाद सभी डालते हैं तो आपको वहाँ पे हो जाएगा। आपको कैप्चर पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको कैप्चर ऑथेंटिकेट करना होगा, जो भी। उसके बाद जैसे ही सब सबमिट हो जाएगा तो आपको वहाँ पे, उसके बाद आपको वहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको वहाँ पे इसमें भी आपको टिक मार्क लगा देना होगा, जो कि चलिए लगा देते हैं। उसके आपको प्रोसीड कर देना होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे कस्टमर का जो कि आधार नंबर डालना होगा, चलिए यहाँ पे डाल देते हैं, जो कि 12 डिजिट का होता है। जो भी आधार कार्ड से कर रहे हैं तो आपको डाल देना आधार नंबर। उसके बाद आपको कैप्चर पे क्लिक करना होगा। आपको जैसे कि आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा, आने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे मिल जाता है। जैसे सबमिट सक्सेसफुली होगा तो आपको वहाँ पे लिखा जाएगा सबमिट सक्सेसफुली। आपको वहाँ पे अच्छे से लगा हो जाएगा, देख सकते हैं फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको वहाँ पे कैप्चर हो गया। उसके बाद आपको वहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा। तो आने के बाद आपको ऑथेंटिकेट पे आपको वहाँ पे क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद आपको वहाँ पे इस तरह से इंटरफेस आएगा, सभी डिटेल्स आपका आ जाएगा, जो भी डिटेल्स हैं। अगर इसका डिटेल्स सभी नहीं है तो आपको वहाँ पे आगे आपको डालने के लिए आपको प्रोसेस मिल जाएगा, क्योंकि डाल सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट करना होता है, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट डालने में सिंपली आपको जो भी इसमें नहीं डाला है आप यहाँ से टाइप करके डाल सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो भी जो कि आपको जरूर डालना होता है आपको डाल देना होगा। जो स्टार मार्क लगा रहता है तो सभी आपको यहाँ पे डाल देना होगा, जो भी जरूरी डिटेल्स हैं यहाँ से डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ पे सबसे पहले आप वहाँ पे डाल देते हैं, जो कि फिल नहीं आता, जो आधार कार्ड से ऑटोमेटिक नहीं लिया हो रहा था। चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना होगा, जो भी डालने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे नेक्स्ट कर देना होगा। सॉरी दोस्तों, आपको वहाँ पे फोटो यहाँ पे होता है, तो सबसे पहले आपको फोटो कैप्चर करना होता है। आपको वहाँ पे फोटो वाले आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, जो कि आप इसमें आपको व्हाइट बैकग्राउंड खोजा, आपको व्हाइट जैसे पीछे में रहना चाहिए, मतलब। तो जो भी आप कपड़ा लगा सकते हैं, नहीं तो आपको कोई कोई बैनर और पोस्टर है आप वहाँ से कर सकते हैं। आप आगे पीछे जो भी कैमरास करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे, यहाँ से जो कैमरा वाले यहाँ पे है इस पर आगे पीछे कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे कैप्चर सक्सेसफुली हो जाएगा आपको वहाँ पे। उसके बाद सिंपली आपको वहाँ पे ओके कर देना, अगर नहीं आए तो रिटेक भी कर सकते हैं। आपको वहाँ पे इस तरीके से आपको सब्सक्राइबर डिटेल्स मिल जाएगा।
उसके बाद देख सकते हैं। अभी आप चेक करने वाले, सिंपली आप वहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना होगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, जो कि आपको नीचे में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट करने बाद सिंपली आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आने बाद सिंपली आपको फिर से आपको इस तरीका दिखाएगा एग्जिटिंग कनेक्शन आपके पास है कि नहीं। आपको नहीं भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना होगा, उसे अगर मैच करता तो आपको मैच हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको फिर नेक्स्ट करने बाद सिंपली आपको पर डे काउंट ऑफ 0 लिख रहा। उसके बाद आपको फिर एजेंट डिक्लेरेशन करना होगा, उसके बाद आपको टिक मार्क लगा देना, आपको एग्री कर देना होगा। इसमें भी आपको एग्री कर देना होगा सब्सक्राइबर डिक्लेरेशन। आपको एजेंट का बायोमेट्रिक सिग्नेचर लगेगा, ये आधार नंबर आपका फिर लगेगा। चलिए आपको वहाँ पे कर लेते हैं, चलिए आपको वहाँ पे कर लेते हैं। सिंपली आप वहाँ पे करने बस आप सजेशन फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली हो जाता है, आपको ओके, आपको ग्रीन टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना होगा। करने बाद सिंपली आप वहाँ पे सबमिट करना है तो आप FRC कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में कर सकते हैं सबमिट। बाद में करना चाहते हैं सबमिट कर सकते हैं कैप पे क्लिक कर, और तुरंत करना चाहते हैं FRC क्लिक, जो भी करना चाहते हैं 249 का, 108 का, 107 का जो कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत कॉमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।